तो शासकीय नवीन कॉलेज नौगांव में नए सत्र में अपने नए भवन में संचालित होने जा रहा है। कॉलेज के भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री के द्वारा किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 2018 में नगर के शासकीय नवीन महाविद्यालय के लिए पिछली सरकार में नए भवन की सौगात मिली थी, जिसका कार्य करीब पूरा हो चुका है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर निरंजन ने बताया कि 3 हेक्टेयर जमीन में 6 करोड़ की लागत से नगर के नवीन महाविद्यालय के विशाल 2 मंजिला भवन बनकर तैयार है। भवन निर्माण कार्य पिछले वर्ष शुरू हुआ था और अब 2 मंजिला भव्य भवन बनकर तैयार कर दिया गया है। इस नए भवन में कॉलेज चालू होने से करीब 4000 से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित भी होंगे। महाविद्यालय में बीए कला संकाय के कक्षाएं भी संचालित थी। इसके बाद कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर एनपी निरंजन ने शासकीय महाविद्यालय हरपालपुर में कला संकाय से विज्ञान संकाय से बीएससी, बीएचसी, बीकॉम, बीएससी मैथ्स, एमकॉम और एमए कला संकाय से हिंदी, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल से स्नातक व स्नातकोत्तर की कक्षाएं जन भागीदारी से संचालित की है। रंजन साहब आए हैं यहाँ पे, कॉलेज का बहुत विकास हुआ है। यहाँ पार्क से लेकर वाटर कूलर और साइकिल स्टैंड और कैमरा और स्मार्ट क्लास से लेकर काफी सारा विकास हुआ है। जब से निरंजन साहब यहाँ आए हैं, जब से विकास ही हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 3-3 गेट बनवा दिए हैं उन्होंने और पार्क भी अच्छा करवा दिया है और कॉलेज की सारी व्यवस्थाएं और नया कॉलेज का भी कार्य प्रारंभ हो गया है और वो प्रारंभ नहीं समाप्त भी होने वाला है। ये हमारी फितरत में है कि हम जहाँ भी रहते हैं तन से और मन से उस संस्था के विकास में पुरजोर कोशिश करते हैं। ये हमारा ये वजूद है कि हम जहाँ भी रहेंगे वहाँ विकास करेंगे। इस महाविद्यालय में जब 1 अप्रैल 2018 को मैं यहाँ आया था उस समय इस महाविद्यालय में न कोई वाटर कूलर था, न वाटर कूलर के साथ कोई आरओ था, न साइकिल स्टैंड की व्यवस्था थी, न कहीं पर्दे डले थे, न सीसीटीवी कैमरा लगे थे,